प्लैनेट फिटनेस नई जिम खुली है, जाना चाहता है कोई नासा, कपड़े ले लो यहाँ से आके नकली से। बिल्कुल 3% रह गया, डेड होने वाला है मेरा फोन। नेक्स्ट आई एम थिंकिंग ऑफ ईटिंग समथिंग। यहाँ पे ना यार हमारे इसी प्लाजे में ना एक पिज्ज़ा है, उसके साथ एक फ्रेशी करके ना नया स्टोर खुला है, वहाँ पे लाइक आइसक्रीम वगैरह मिलती है। ठंड है, आइसक्रीम खाने का मज़ा आने वाला है। आई डोंट नो, मैं अभी चेक करती हूँ। सो खाने पीने के बाद मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल ही पास में वॉलमार्ट है मामफर्ड पे, उसके पास हेलोवीन आने वाली है। टुडे इज अराउंड 14th of October आई गेस, और हेलोवीन है 31st October, एंड उसके बाद क्रिसमस आएगा। लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं हेलोवीन की, एंड इट्स सो मच फन। मैं भी हर साल सोचती हूँ भी हेलोवीन पे ड्रेसअप होना है। जिन लोगों को नहीं पता हेलोवीन क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी यहाँ ऊपर क्या एग्जैक्टली क्या फेस्टिवल है ये हेलोवीन करके। अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में ड्रेसअप होते हैं यहाँ पे, एंड वो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, लाइक कैरेक्टर्स बन जाते हैं उनके, जस्ट लाइक फेरीज बन जाती हैं। एक्साइटमेंट है। अगर इंडिया में अपने घर वालों को बताती हूँ ना भी यहाँ पे हेलोवीन क्या क्या चक्कर है, वो कहते हैं क्या है यार, भगवान ने आपको इंसान बनाया, आप क्या भूतों के पीछे पड़े हो, लाइक भूत वगैरह बनने लोग लाइक प्रॉपर फेस पेंट वगैरह करते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं अच्छे से। स्केरी सा होता है, स्पूकी है ये। पहले यार ये स्पूकी होता था, लेकिन अभी तो लोगों ने लाइक और ही कुछ बना दिया है हेलोवीन का। हो रहा सामने पिज्ज़ा के साथ फ्रेशी करके वहाँ पे जाके आइसक्रीम लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने की और कौन सी अच्छी लगती है मुझे। ये देखो ये इनका मेन्यू है, 9.99 का है, कोई भी रोल ले लो। और यहाँ पे है ये वाला, अभी मैंने करवाया है शाही गुलाब, ठीक है। ये रही हमारी रोल्स आइसक्रीम। ये नया बिजनेस स्टार्ट हुआ हैलिफैक्स में, अभी हफ्ता ही हुआ है स्टार्ट हुए तो। एंड आई वेंट इनसाइड, द गाय वाज सुपर नाइस, हिज नेम वाज अंकित, शाउट आउट टू अंकित, बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस दी उसने। एंड या इट्स रियली डिलीशियस, इट्स सुपर यमी। जो भी लोग हैलिफैक्स में हैं गाइस, गो चेक इट आउट। और मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसा कोई बिजनेस कभी किसी ने स्टार्ट किया है हैलिफैक्स में, सो आई गेस यू शुड गो चेक इट आउट। ब्रैम्पटन वगैरह में तो सारा कुछ है ऐसा ही। सो या पिछले 15 मिनट से खा रही हूँ, इतना बड़ा बाउल है, फिनिश नहीं हो रहा यार। मैं नीचे मेंशन कर दूंगी मैंने कौन सा फ्लेवर लिया है। सो अभी 4 बज गए हैं, एंड मैं ग्लो हेलिफैक्स जाने से पहले सोच रही थी, आज दूध खत्म हो गया, मैं सोच रही थी वॉलमार्ट से जाके दूध भी ले आऊं, ठीक है। अभी चलते हैं वॉलमार्ट और दूध लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ग्लो हेलिफैक्स। दूध मैंने ले लिया है, अभी है 4.78 का, टेक्सचाल के 5 समथिंग का बन जाएगा। और लाइन देखो वॉलमार्ट में कितनी लंबी लगी हुई है। मैं पहले गुड लाइफ फिटनेस जाती थी, एंड मुझे किसी तरह उसका डिस्काउंट मिला हुआ था, अभी वो डिस्काउंट अभी नहीं मिल सकता, मुझे वो जिम छोड़नी पड़ी। और ये प्लैनेट फिटनेस नई जिम खुली है, ये काफी चीप है, मुझे लगता है मे बी मैं यहाँ की मेंबरशिप ले लूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर कैसी जिम है, क्या हिसाब किताब है। मैं नहीं यार, मैं ना जब जिम जाती हूँ, आई वांट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी। फिटनेस और ये रहा साथ में हेलोवीन वाला स्टोर, देखते हैं अंदर एक्सप्लोर करते हैं। देखो एंट्री से ऐसा है, थोड़ा सा प्यारा बना हुआ है यार, ऐसा लग रहा है कुछ स्टोर। देखो कितने सारे हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स वगैरह है, मे बी आई एम जस्ट गोना बाय समथिंग फॉर हेलोवीन। मैंने ना इनके रिव्यूज चेक किए थे गूगल पे, और पिछले साल के रिव्यूज हैं, 2-3 लोगों ने डाले हुए थे, कहते बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। सो अभी एंटर की हूँ, मैंने अभी ना थोड़े वो हेयर स्प्रेज वगैरह चेक किए थे यहाँ पे, कलरफुल हेयर स्प्रेज। ये देखो इतना सा स्प्रे है, ये इट्स फॉर $17, और पता नहीं कौन सी नकली सी कंपनी है।
यहाँ पे हेलोवीन की ड्रेसेस लगी हुई हैं, दैट्स फॉर 79, ओ माय गॉड, दैट्स फॉर $70. जो वेंसडे मूवी आई थी, एक्सपेंसिव है यार सीरियसली, ये देखो $79 का है क्या इसमें, सिर्फ नकली सा कोट पैंट है भाई। देखो ये विग $120 का, लाइक सीरियसली आई वाज क्रेजी, नोबडी इज गोना बाय दैट स्टफ। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, डरा रहा है मुझे, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा, इट्स फनी। जाना चाहता है कोई नासा, कपड़े ले लो यहाँ से आके नकली से। किसको चाहिए माइकल जैक्सन का विग फॉर $50? ये एनिमल कॉस्ट्यूम्स हैं, अगर आपको कोई हेड बैंड चाहिए एनिमल्स का, जैसे ये एलिफेंट का बनाया हुआ है। स्केलेटन है केज के अंदर, उसका कॉस्ट्यूम है। वाओ 450 का है, वाओ दैट्स क्रेजी गाइस। ये है 450 का घर के बाहर लगाने के लिए। और ये वाला भी देखो, इसका प्राइस बताती हूँ मैं आपको, कौन सा अच्छा है बताना। $400 सिंपल ज़ॉम्बी कॉस्ट्यूम है, $40 का, ऐसा कुछ दिखोगे आप ये डाल के, वन पीस सूट होता है जो। इसका प्राइस दिखाती हूँ आपको क्या है, इट्स फॉर $90, दिस इज सो क्रेजी। तीन एक ग्रिंच बनना है, ये वन साइज ले लो, इट्स फॉर $100, और एक बार पहन के फेंक दो, बिकॉज ऑब्वियसली आप अगली बार तो डाल नहीं सकते इसे। एक ये रहा, और जो हैरी पॉटर फैंस हैं, बेबीज हैं, उनके लिए अलग स्टफ़ है, वोल्डेमॉर्ट उसके लिए है। ये सभी प्रोफेसर्स के अलग अलग बनाए हुए हैं, ये हैरी पॉटर के बनाए हुए हैं बच्चों के, और ऊपर वो बड़ों के बनाए हुए हैं। यार सीरियसली बताऊँ, स्टोर बहुत ज़्यादा ह्यूज है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लोग यहाँ से बाय नहीं करेंगे, बिकॉज सामान बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। लाइक जिन्होंने करना है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। आई डोंट नो अगर हमारे हैलिफैक्स में और ऐसे स्टोर हैं या नहीं जहाँ पे हैलोवीन का स्टफ मिलता है। लाइक नॉर्मली अगर आप जैसे अर्बन पैलेट पे जा रहे हो, डॉलरमा वगैरह जा रहे हो, वहाँ पे एक्स्ट्रा हैलोवीन का स्टफ आता है थोड़े टाइम के लिए, दैट्स नॉट दिस एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी। I would prefer not to come here. मैं ये वाली डॉल ले लूँ, अच्छी लग रही है यार ये वाली, डिफरेंट है सभी से, इतनी लंबी टांगे हैं इसकी। छोटी वाली भी बढ़िया है, यहाँ पे देखो इसके नकली बाल लगाए हुए हैं भूल के, और उसके दूसरे हैं असली वाले। नेक्स्ट आइल में आ गए हैं हम, नेक्स्ट साइड पे जहाँ पे हमारे सारे मास्क वगैरह पड़े हैं। तो यहाँ पे ना उन्होंने ये बनाए हुए हैं, जस्ट यहाँ पे स्टेप करो और ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये करके देखते हैं, ठीक है चल बड़ा कर क्या रहा है। पंपकिन ले लो इसके हाथ वाला, क्या ही चीजें बना रखी हैं यार इन्होंने। ब्रो उसकी आंखें देखो कितनी रियल लग रही हैं। What the hell is this? ये क्या भला है, क्या ये यार, कितना स्केरी है ये। क्या ही बनाया हुआ है ये, oh my God. बंद हो गया, थैंक गॉड। किसे चाहिए ये वाला, चाहिए किसी को? और एक ये बना हुआ है, प्राइस देखते हैं इसका कितना है। प्राइस नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसे चलाकर तो देख सकते हैं। ट्राई मी रिमूव द इंसुलेटिंग स्टिक, सीरियसली। एरिया में आ जाता है नॉर्मल स्केलेटन्स वगैरह, स्कल्स पड़ी हैं, और ये अपने घर के बाहर टांगने के लिए द संदार्ट लाइक डेकोर स्टफ, सारा हेलोविन का ये स्केल्टन्स पड़े हैं। देखें इसका क्या हिसाब किताब है, कितने का है ये। ये है 124 का, ट्राई करते हैं इसे। ओह माय गॉड, आई कलर देखो इसका कैसे चेंज हो रहा है। ये फॉग पड़ी है नीचे, हेलोविन स्पाइडर्स, ये गंदा सा स्पाइडर पड़ा है यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ यार गाड़ी में ना कुछ रखूँ ऐसे भयानक सा, लोगों ने लगाया होता है। वाओ ये ले लूँ हाथ,
ये $12 का है। मैं सोच रही हूँ डॉलर में जाके आती हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। नाइफ देखो इसके अंदर रंग डाला हुआ है, इट्स अ ब्लीडिंग बच्चर नाइफ। क्या लिए, पैर लें या कुछ और लें, किसको चाहिए आई बॉल? इट्स फॉर $4 और ये इतनी सारी आई बॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, और ये है 397 की। किसी ने आना है, ये ओपन है संडे को 12 से 5 और मंडे टू सैटरडे 9:30 से 9 PM। अभी भूतिया सी चीज़ें देखनी आके देख लो, लेकिन मुझे तो वर्थ इट नहीं लगा बाय करने का। अभी डॉलरामा सोचती हूँ, चलती हूँ और वहाँ पे जाके देखती हूँ। मुझे यार मेरा मन कर रहा है ना, गाड़ी के पीछे ना डिक्की जैसे बंद होती है, वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ ऐसे रख लेते हैं। यार आई वांटेड टू गो टू प्लैनेट फिटनेस। मैं ऐसे करती हूँ, पहले मैं डॉलरामा जाती हूँ, उसके बाद जिम जाती हूँ, ठीक है? बिकॉज ये वाला यही वाले रास्ते से मैंने घर पर जाना है। सो डॉलरामा जाके कुछ देखती हूँ, अगर मेरी गाड़ी के लिए मिलता है। या मैंने सोचा था हैलोवीन का कोई प्रॉप वगैरह लूंगी, मैंने तैयार होना था यार हैलोवीन पे। देखती हूँ जाके डॉलरामा पे अगर कुछ मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है? चलो चलते हैं। अभी मैं पहुँच रही हूँ डॉलरामा और एक ही मिनट की ड्राइव थी, बिल्कुल साथ में था। सो अभी चलते हैं डॉलरामा, लेकिन मैं यार थोड़ा सा अपना फ़ोन बस अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, अगर अंदर जाके वीडियो बनानी होगी। बिल्कुल 3% रह गया है, डेड होने वाला है मेरा फ़ोन, सो अभी इसे चार्ज कर लेते हैं। यू नो वॉट, आई जस्ट कांट सेट हेयर फॉर आवर। ये जो केवल है इससे इतनी तेजी से चार्ज नहीं होगा, सो आई हैव टू गो एंड आई जस्ट सी वट एवर हैपन्स। अगर बंद हो गया फोन देखी जाएगी, लेकिन मैं अंदर जा रही हूँ अभी, सो उसके बाद आकर फोन चार्ज कर लूंगी, ठीक है? जो भी करना। डॉलर में पहुँच गए हैं, ये रही हमारी हेलोवीन आयल बनी हुई है, जो भी यहाँ से लेते हैं कुछ, ठीक है? अपनी गाड़ी में रखने के लिए, मे बी लाइक कॉस्ट्यूम वगैरह भी ले लूंगी। तो यहाँ पे नॉर्मल मेकअप वगैरह पड़ा, हेयर्स ना तो वन टोट बैग्स वगैरह पड़े हैं सभी हेलोवीन के। तो यहाँ पे ग्लव्स पड़े हैं, ये ब्लडी ग्लव्स, ये चुड़ैलों वाले ग्लव्स पड़े हैं, नाखून लगे हुए हैं इनके ऊपर फेक। और क्या है, मास्क पड़े हैं इतने सारे। सोच रही हूँ मास्क ही ले लूँ, एक आता यार ये वाला लेती हूँ पम्पकिन एंड स्टफ। कितने का है ये? $4-4.5 का है। अरे ये वाला क्यूट है, ये वाला ले सकती हूँ मैं। आई रिमेम्बर कुछ हेलोवीन्स पहले ये मैंने ये वाला लिया था, डेविल हेडबैंड, और डेविल बनी थी मैं लाइक रेड वगैरह, रेड लिपस्टिक वगैरह लगा के। मैं पिक्चर डालूंगी अगर मुझे मिली, ठीक है? इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे किसी ने ना विग खोल के रखा हुआ है, लेट मी शो यू। ऐसा लग रहा है कुछ ग्रे कलर का, ये वाला है, ये किसी ने फाड़ के रखा हुआ। मे बी आई जस्ट पुट इट, होल्ड ऑन। मैं ना डालने लगी हुई है, बाल निकल रहे हैं इसके। आई डोंट थिंक सो, मैंने गेट दिस वन, नकली नकली से बाल है। बैंड लिया अभी मैंने, और मुझे ना यार ये पसंद आ रहा है गाड़ी के लिए, दस वन ये वाला भी अच्छा है, लेकिन देखते हैं। अभी चीज़ों के आपको प्राइजेस चेक करवाती हूँ, वहाँ पे देखना प्राइजेस, और यहाँ पे देखो, ये देखो चूहे हैं यहाँ पे, एंड दे आर ओनली फॉर लाइक $1.50, दैट्स सो चीप। और ये जो पक्षी बने हुए हैं, दे आर फॉर $3.50। जस्ट लुक एट द प्राइस यार, कितना चीप है और कितना सारा सामान है यहाँ पे।